इंडिया के कुछ ऐसे फूड जो कि इंडिया के है ही नहीं, और आखिर क्रिकेट स्टेडियम में इतने सारे पिच क्यों होते हैं, और एक ऐसा वोल्केनो जहाँ से नीली कलर का लावा निकलता है, उसके साथ साथ एक ऐसा भी प्राणी है जिसमें 3 दिल और 9 दिमाग है। सो गाइस, आज का ये वाला वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को 1 लाख जरूर कर देना। नंबर 20, क्या आपको पता है कि सांपों के अंदर 2 प्रकार के जहर होते हैं? पहला है न्यूरोटॉक्सिक जो कि दिमाग पर असर करता है, और दूसरा है हेमोटॉक्सिक जो कि हमारे खून को जमा देता है। नंबर 19, आप लोगों ने तो ऐसे डिजाइन वाले जींस को तो पहना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जू जींस एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने जींस को शेर चीते की दांत से फरवा कर डिजाइन बनाती है। नंबर 18, 1916 के दशक में कुछ इस तरीके के हेलमेट का इन्वेंट हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठे व्यक्ति से बातें कर सकते थे। नंबर 17, आप लोगों को तो याद होगा कि साल 2020 में IPL UAE में हुआ था। साल 2020 में शारजा स्टेडियम में एक मैच हुआ था जिस मैच में धोनी ने एक छक्का मारा था जो कि स्टेडियम के बाहर चला गया था, और वो बॉल जाकर जिस जगह पर गिरा था उस जगह को आप धोनी सिक्स नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल मैप में धोनी सिक्स सर्च करोगे तो आपको यही जगह मिलेगा। नंबर 16, एक रिसर्च में पता चला कि जो काउ होते हैं उनके भी सच्चे दोस्त होते हैं, और जब वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो परेशान होने की वजह से उनकी दिल की गति बढ़ जाती है। नंबर 15, इस फैक्ट के बारे में जानकर आप एकदम शॉक हो जाओगे। दरअसल 2008 में फिनलैंड के पुलिस को एक गाड़ी में छानबीन करने के दौरान बस एक मरा हुआ मच्छर मिला था, तो पुलिस ने उस मच्छर के जरिए ही चोर को पकड़ा था। दरअसल उस मच्छर ने उन 2 चोरों का खून पिया था, और पुलिस ने मच्छर के पिए हुए खून की जांच करके चोर को पकड़ा था। नंबर 14, ऑक्टोपस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन शायद आप ऑक्टोपस के बारे में फैक्ट नहीं जानते हो। दरअसल ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जिसमें 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। नंबर 13, शराब पीने के 6 मिनट बाद ही नशा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शराब कभी पचती नहीं है बल्कि रक्त वाहिकाओं द्वारा सीधी सोख ली जाती है, और खाली पेट शराब पीने से 3 गुना ज्यादा नशा होता है। नंबर 12, ये है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो कि भारत में ही रहते हैं। इस परिवार में एक व्यक्ति की 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। सो गाइस, क्या आपने इस परिवार के बारे में कभी सुना था? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11, क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसी मिठाई पाई जाती है जिसकी कीमत 16,000 रुपीस पर केजी होता है? इस मिठाई का नाम गोल्ड प्लेटेड मिठाई है, और इसे 24 कैरेट गोल्ड की परत से बनाई जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। नंबर 10, आप लोगों को तो पता होगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन का कितना बड़ा कारण है, इसलिए ही फ्यूचर में पानी की बोतल गायब हो जाएंगे और इसकी जगह पानी हमें ऐसे मिलेंगे जिसको की प्यास लगने पर खाया जाएगा, और ये अभी की तरह पानी की वेस्टेज भी नहीं करेगा। नंबर 9, हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन पैदा करने का श्रेय हम पेड़ पौधों को ही देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पेड़ पौधे ही हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि 30-50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों में रहने वाले प्लैंकटन से आता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है? इसका लंबाई 8,891 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जंगलों के बीच इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 फुट है, क्योंकि इस वाले बॉर्डर को पेड़ों को काट के बनाया गया है। नंबर 7, क्लिनोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मन पूरा दिन बेड में पड़े रहने का ही करता है। सो गाइस, सच्ची अच्छी बताना किसको किसको ये प्रॉब्लम है। नंबर 6, आईफाई चीन नाम का एक ऐसा डिजाइनर है जिसने की एक ऐसी गन बनाई है जो कि आंसुओं को बुलेट में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि IPL में इस्तेमाल होने वाले गिल्लियों की कीमत कितनी होती है? दरअसल गाइस, IPL में जो गिल्लियां यूज होती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई होती है। एक गिल्ली की कीमत कम से कम 30 लाख तक हो सकती है। नंबर 4, दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खुल गया है। इस म्यूजियम में 7 फ्लोर है, और अगर आप इस म्यूजियम में जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2051 के टेक्नोलॉजी पर आ गए हो। नंबर 3, एक ऐसा वोल्केनो जिसमें से नीली रंग की लावा निकलती है। इंडोनेशिया में बनुयांगी नाम के एक ऐसा वोल्केनो है जहाँ से नीली रंग की लावा निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वोल्केनो से मीथेन गैस निकलती है, साथ ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण इसका रंग नीला पड़ जाता है। नंबर 2, आखिर क्रिकेट के स्टेडियम में इतने सारे पिच क्यों होते हैं? तो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैच के दौरान अगर पिच खराब हो जाए तो ये सारे पिच बैकअप के लिए है, तो आप लोग एकदम गलत हो। दरअसल गाइस, क्रिकेट स्टेडियम के सभी पिचों का यूजेस अलग अलग होता है। जैसे नेट प्रैक्टिस के लिए अलग पिच, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अलग पिच, और सबसे बेस्ट पिच इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यूज होता है, और इसलिए क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सारे पिचेस होते हैं। नंबर 1, इंडिया के कुछ ऐसे फूड जो कि इंडिया के है ही नहीं। नंबर 3, इडली। इडली ज्यादातर साउथ इंडिया में खाई जाती है, और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इडली इंडिया का ही डिश है, लेकिन असल में इडली इंडोनेशियन डिश है, और इंडोनेशिया से ही पहले इडली को इंडिया में लाया गया था। ये उस समय की बात है जब इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज करते थे, और वो लोग शादी के लिए इंडियन लड़की को ही पसंद करते थे, और ऐसे ही इंडोनेशिया से इडली इंडिया में आया। दूसरा है समोसा। समोसा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्नैक आइटम है, लेकिन असल में समोसा इंडिया का है ही नहीं। समोसा को पहली बार सेंट्रल एशिया में बनाया गया था, और उस समय समोसा के अंदर मीट डाल के खाया जाता था, और जब 10th सेंचुरी में समोसा इंडिया में आया तो इंडिया के लोगों ने समोसा से मीट हटाकर आलू का मसाला डाल दिया। तीसरा है राजमा चावल। राजमा चावल ज्यादातर पंजाबी लोग खाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसे इंडिया का ही सोचते हैं। दरअसल राजमा पहले इंडिया में उगाए ही नहीं जाते थे, पहले राजमा सिर्फ मेक्सिको में ही उगाए जाते थे, और वहाँ के बिजनेसमैन जब इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए तब से ही राजमा चावल इंडिया में इतना ज्यादा फेमस हो गया। सो गाइस, आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के कुछ ऐसे भी फूड है जो कि इंडिया के बाहर बैन है? अगर आपको जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर
पर क्लिक करके देख लो। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ नहीं होगा लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आगे हमारे चैनल पे आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट कमल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।